अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। एक्सक्यूज मी सर, आप जी जी सर जी जी सर वो मैंने कहना था मेरी जो लैपटॉप है उसकी बैटरी बहुत लो है और हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है, तो I'll be in the class as long as I can, but afterwards I may, get ओके। disconnected. So वैसे तो आपको बैटरी चार्ज करके रखनी चाहिए ना, पता है आपकी क्लासेस हैं। चले हो जाता है समटाइम्स। सुबह से गई हुई है. चलिए, रात को ही प्रिपेयर्ड होना चाहिए ना आपको। ठीक है, आपकी एक क्लासेस। ओके चले। हुज दिस दिस इंतसार इन बसात इन बसात यू दिस ओके जी। काफी सारे लोग आ गए हैं तो आई थिंक लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आई एम सॉरी, आई हैव अ सोर थॉट थ्रोट। तो मेरा गला शदीद खराब है, पका हुआ है, जिस वजह से मुझे खांसी आ रही है बार बार। और लेकिन काम तो करना है तो प्लीज टॉलरेट दैट। ये आवाज से भी आपको फील हो रहा होगा कि मैं प्रॉपर बोल नहीं पा रहा उस मतलब इंटेंसिटी के साथ सर, जी। So, should we start today's lecture now? Hello. यस सर. सबको आवाज भी आ रही है, सबको ये स्क्रीन शेयरिंग में। यस सर. ओके। सो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट दी इलेक्ट्रिक फील्ड मैप ऑफ अ चार्ज। ठीक है जी। तो वी लर्न दैट कि जी एक चार्ज जो होता है एक्सक्यूज
मैंने आपको बताया कि मेरा गला शरीर खराब है, इसलिए मेरी खांसी को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिकॉज आई हैव अ सीवियर सोर थ्रोट। ठीक है जी, बार बार ये इंटरप्शन खांसी वाली आएगी। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जस्ट आई एम कमिंग, फिर आते स्टार्ट करते हैं। जस्ट लेट मी गिव अ मिनट। हेलो, इज एवरीवन देयर? यस सर। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एज आई जैसे बताया कि मुझे थोड़ा मसला है गले में, तो इस वजह से मुझे। सो लेट अस बिगिन टुडेस लेक्चर। सो व्हाट वी लर्न लास्ट टाइम, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक फील्ड मैप ऑफ अ चार्ज कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, and these lines can be drawn with the help of a test charge, which was actually a unit positive charge, by placing it in the vicinity of that charge. ठीक है जी,
और पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे आर ऑलवेज आउटवर्ड, दैट इज द पॉइंट अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज आर ऑलवेज इनवर्ड, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द चार्ज, सीम्स टू बी टर्मिनेटिंग एट द चार्ज, एंड द फील्ड लाइंस ऑफ टू अपोजिट चार्जेस एंड टू सेम चार्जेस कैन बी ड्रॉन अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज व्हेन प्लेस्ड अराउंड एनी प्लेस एनी पॉइंट इन द फील्ड ऑफ दोज टू चार्जेस. ओके, सो द लाइन्स वर लाइक दिस फॉर टू अपोजिट चार्जेस. दे एक्चुअली शो द मूवमेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज इन विच डायरेक्शन इन विच पाथ दैट शुड मूव विच ट्रैक इट शुड मूव व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ दीज टू चार्जेस. सो सिमिलर वॉज द केस विद टू सेम चार्जेस. This was called this region where you can see no electric field lines, is no nothing here. This is called zero field region or field free region. And here we have maximum number of nines, so this is called a maximum field region. So there were basically four important points. Four characteristics of the electric field lines of a charge. What was those four points? I told you they are very important. Number one was the field lines begin at a positive charge and end on a negative charge. Field lines never cross or split. They never cross each other. Field lines that are close together and representing strong electric field and that are well separated represent areas of weak field. So it means close to the charge here we have a strong field, and as you move away from the charge, the field gets weaker and weaker. Okay. And the last point was the charge placed in the field experiences a force in a direction along the field line. If you place a charge in the field of this charge Q, another charge Q, you place it. It will experience a force in the direction of the field line. You give the direction a force ki direction. Okay. Now, today we extend our discussion and then we discuss. Last time that the field, if a charge is distributed over the surface of a spherical conductor outside the surface, then the field inside, the net electric force inside the spherical conductor would be zero. Why? Because the sum of the all forces would become zero because it makes a closed loop. So this is basically a field free region. There is no electric field here. Now we further our discussion today about how to find the electric field strength E. This is a very important concept here, the electric field strength E. How to find out the electric field strength of a charge at any point close to the charge or in the field of the charge. अगर हमसे कोई ये पूछे कि किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आप कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे? We just need to derive a formula. आपको समझ आ रही है सबको मेरी बात? कैन यू एवरी वन हेयर मी? हेलो, यस सर. ओके, इफ हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? जस्ट लाइक कंसीडर दैट यू हैव
मैस ऑफ 10 किलोग्राम्स एंड इट इज अटैच विद ए स्प्रिंग बैलेंस। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको क्या कहते हैं? स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं, ठीक है ना। और इसका काम होता है वेट को या बेसिकली फोर्स को मेजर करना, ठीक है। अब हमें पता है कि फोर्स जो होती है, जो वेट किसी ऑब्जेक्ट का होता है, वो क्या होता है? बेसिकली इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ठीक है। इट एक्सपीरियंसेस द पुल ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिगर में देखें तो एक 10 किलोग्राम्स की मैस है, और क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, तो हमें पता है कि वेट किसके बराबर होता है जी? किसी भी ऑब्जेक्ट का वी नो दैट वेट इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेविटी। ये ग्रेविटी क्या चीज है? बेसिकली ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और द ग्रेविटेशनल पुल पर यूनिट मास। तो यहाँ पे इसको जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। आप सबको पता है जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो जब हम इसको ग्रेविटी को मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस मास 10 kg जो मास का जो वेट आएगा वो कितना आएगा? 98 न्यूटन, विच हैज बीन शोन हेयर बाय द स्केल ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पे एक स्केल बना होता है, यहाँ पे वैल्यूज मार्क नहीं है, बट यहाँ पे वैल्यूज मार्क होती हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी होगी? 98 न्यूटन होगी। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो ग्रेविटी है हमारे पास, वो किसके बराबर आएगी? वेट ओवर मास के। तो इफ आई वांट टू नो द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वेट ऑफ दिस बॉडी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ, तो वो कितनी आएगी जी मेरे पास? वेट की वैल्यू कितनी है? 98 न्यूटन है। मास इज 10 kg, सो व्हेन यू डिवाइड दैट यू गेट 9.8 m/s², या इसकी एक दूसरी यूनिट है जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, दैट विल बी न्यूटन्स पर किलोग्राम। क्या होगी? न्यूटन पर किलोग्राम, विच इज बेसिकली इक्वल टू 9.8 m/s². अब ये न्यूटन्स पर केजी m/s² के इक्वल कैसे है? ये बहुत आसान है, एक स्टेप में प्रूव किया जा सकता है। तो फॉर द मोमेंट जस्ट रिमेम्बर इट दैट न्यूटन्स पर केजी इज इक्वल टू m/s². तो ये जो वैल्यू आपके पास 9.8 m/s² आ रही है, या अगर मैं कहूँ 9.8 N/kg, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ओके। एंड इट हैज बीन डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज द वेट फोर्स पर यूनिट मास। वेट फोर्स पर यूनिट मास मतलब दूसरे लफ्जों में क्या? वेट हमें पता है फोर्स का नाम है, मतलब ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट गिव्स अस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज बेसिकली अ फोर्स, ओके। हैज एवरीवन गॉट दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। जी, सबको समझ आ रही है? जी सर। ओके, इफ यू जस्ट, मैंने क्या बताया अभी के ये जो जी है ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 N/kg और 9.8 m/s². सो दिस गिव्स अस द आइडिया दैट हाउ मच द ग्रेविटेशनल फोर्स और द ग्रेविटेशनल पुल पर यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड।
तो इसका मतलब ये है दैट इट सेज द रीजन अराउंड अ चार्ज इज सराउंडेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसना एक ऑब्जेक्ट की जो 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 मैस है, मैस किस किस सराउंडिंग में पड़ी हुई है, ये मैस कहाँ है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल अर्थ पे पड़ा हुआ है, सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा हुआ है, ये तो वो कहाँ पड़ा हुआ है बेसिकली, दैट इज प्लेस्ड विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो सिमिलरली एक चार्ज जो है वो सराउंडेड होता है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है ना। सो चार्ज इज सराउंडेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो अ चार्ज प्लेस्ड इन दिस फील्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है जी। ये हमें पता है, ये हम पिछले दो लेक्चर से यही बात करते आ रहे हैं कि अ चार्ज प्लेस्ड इन अ फील्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, रिमेंबर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। अगर एक चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी चार्ज की फील्ड में कोई दूसरा चार्ज ला के रखेंगे और ये देखेंगे सॉरी कि उस चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है पर यूनिट ऑफ दैट चार्ज। सो इट सेज, सो इफ ए चार्ज ऑफ +1 कूलम, सो दैट इफ ए +1 कूलम चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ +10 न्यूटन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द फील्ड इंटेंसिटी वुड बी 10 न्यूटन्स पर कूलम। बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पे 10 किलोग्राम मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या थी, फोर्स पर यूनिट मास थी या वेट पर यूनिट मास थी, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ओके जी। तो ये डेफिनेशन बहुत आसान है, सबको समझ आ गई होगी कि किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ, यू सिंपली कॉल इट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बात एक ही है, स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी हियर हैव द सेम मीनिंग। सो दैट विल बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज एंड इट हैज द यूनिट्स ऑफ न्यूटन्स पर कूलम। जस्ट एज आई टोल्ड यू हेयर दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हैज यूनिट्स ऑफ न्यूटन्स पर किलोग्राम, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हैज यूनिट्स ऑफ न्यूटन्स पर कूलम, ओके जी। सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूटन्स पर कूलम। अगर आपको किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता हो और चार्ज का मैग्नीट्यूड पता हो तो आप फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी एफ इज इक्वल टू क्यू टाइम्स एफ। सब इसी को रीअरेंज कर लिया हमने, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फोर्स वुड बी इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ई। सो इफ यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम अ मैप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज क्यू यूजिंग एफ इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ई, ओके जी। यस सर। सो नाउ आफ्टर हैविंग डिफाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ फॉर चार्ज, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया बिटवीन वर्क एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये दूसरे लफ्जों में जो हमारा थर्ड
टारगेट है दैट इज टू अंडरस्टैंड दी पोटेंशियल डिफरेंस, दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके जी, सो वर्क इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्लीज डू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स वेरी केयरफुली बिकॉज दे आर गोइंग टू बी यूज्ड एंड दे आर गोइंग टू बी दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द इन योर अपकमिंग एग्जाम्स एज वेल। सो इसका मतलब ये है कि अब हमने रिलेशनशिप बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फोर्स और वर्क के साथ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों को पता है, वी नो दैट कि इन ऑर्डर टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड वी हैव टू एक्सर्ट एनर्जी, दैट इज वी हैव टू डू वर्क। आप सब लोगों ने वर्क की डेफिनेशन जो थी वो शायद पढ़ी होगी सबने मैट्रिक में या एसएससी में। जिन लोगों ने मैट्रिक में भी अगर साइंस पढ़ा है तो उसको पता होगा कि वर्क की डेफिनेशन क्या है। वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में अपलिफ्ट करना हो, उठाना हो, फर्ज करें, तो आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू एक्सर्ट एनर्जी, दैट इज यू हैव टू डू वर्क। ठीक है, सो वी अप्लाई वर्क, वी अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ वर्क हियर। वी अप्लाई अ फोर्स थ्रू द डिस्टेंस दैट विल लिफ्ट द ऑब्जेक्ट। वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन द फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड, द ऑब्जेक्ट गेन्स इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब ये इसका मतलब क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आपने वो ग्रेविटेशनल फील्ड की एग्जांपल हम ले लेते हैं ना, मिसाल के तौर पे अगर आपने एक ऑब्जेक्ट है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा होगा, आपने उसको उठाना है, उठा के आपने उसको कैरी करना है, तो आपको उसको ग्रेविटेशनल पुल तो हमें पता है ना हमेशा दैट ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स अर्थ। चीजें ऊपर से नीचे क्यों गिरती हैं? ग्रेविटी डाउनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट कर रही होती है। यही वजह है कि जब हम किसी चीज को उठाते हैं तो हमें उसको उठाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। और वर्क इसलिए करना पड़ता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपलिफ्ट करते हैं, उठा रहे होते हैं, तो हम एक फोर्स लगाते हैं उसको अपवर्ड पुल करने के लिए। ठीक है, और वो फोर्स लगाते हुए हम ऑब्जेक्ट को अपवर्ड लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो वो कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, मतलब चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है। तो वर्क की डेफिनेशन क्या है? वो फोर्स जो आपने ऑब्जेक्ट को अपलिफ्ट करने के लिए लगाई मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट विच इज ट्रेवल्ड, इन दोनों के प्रोडक्ट का नाम क्या होता है जी? वर्क। और वर्क और एनर्जी मैथमेटिकली सेम टर्म्स होते हैं, यही इसलिए वो कह रहा है ऑब्जेक्ट गेन्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब आप वर्क कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो यू आर बेसिकली द ऑब्जेक्ट इज गेनिंग द पोटेंशियल एनर्जी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। सो व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट क्लोज टू द सिमिलरली चार्ज बॉडी वी नीड टू एग्जर्ट अ फोर्स टू ओवरकम द रिपल्जन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अब यही जो रिजेम्बलेंस है ऑब्जेक्ट की, अब वो किसके साथ, वो रिजेम्बलेंस किसके साथ हो रही है? द चार्ज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेन यू अपलिफ्ट, वेन वी ब्रिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट क्लोज टू अ सिमिलरली चार्ज बॉडी, मतलब एक दो चार्जेज हैं, दोनों सेम चार्जेज हैं, तो हमें पता है कि दोनों को, दोनों के दरमियान क्या होती है? रिपल्जन होती है।
सो व्हेन वी ट्राई टू ब्रिंग द टू चार्जेस क्लोज टुगेदर वी हैव टू पुश देम सॉरी for that purpose we have to push them and we have to exert a force to overcome the repulsion between the two objects. और हमें पता है कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो उनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, मोर द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस लेसर द फोर्स विल बी एंड द वाइस वर्सा. द लेसर द डिस्टेंस द मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन विल बी. सपोज यहाँ पे वो यही बता रहा है कि जब हम किसी चार्ज को एक चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे चार्ज बॉडी के करीब लाएं जिसके ऊपर वही चार्ज हो, दोनों को सिमिलर चार्ज हो, तो हमें एक फोर्स एग्जर्ट करनी पड़ेगी टू ओवरकम द रिपल्जन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सपोज वी मूव द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द चार्ज बॉडी वी मस्ट परफॉर्म वर्क टू ब्रिंग द बॉडीज टूगेदर. फर्ज करें कि इमेजिन करें कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी से किसी डिस्टेंस डी पे हमने ला के खड़ा कर दिया और वो डिस्टेंस डी से उस चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा that will be equal to force times displacement sorry force times displacement होगा. तो अब हमें पता है कि ये क्या force between the charges और इधर हम क्या ले रहे हैं distance between the charges. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एज यू इंक्रीज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू चार्जेस द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस तो फोर्स कम होती जाएगी. तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर हम वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू वन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द चार्ज क्यू टू is the area under this force displacement curve. दो चार्जेस हैं, अगर हमने उनको एक दूसरे के करीब लाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, वो वर्क किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर दिस फोर्स डिस्टेंस ग्राफ. ये जो एरिया है, ठीक है, दिस कर्व का, the work done would be equal to force times displacement. ठीक है, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इतनी फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके ये एरिया हमारे पास आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू, नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ऊपर हम एफ को डिफाइन करके आए हैं, क्यू टाइम्स ऑफ ई. ठीक है, सो फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू वन टाइम्स टाइम क्यू वन मल्टीप्लाइड बाई ई. ये क्या हो गई, फोर्स की डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गई टाइम्स डी आ गया आपके पास. अगर रेफरेंस भी दिया सीन से एफ इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ई बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग क्यू टू चार्ज क्लोज टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ चार्ज क्यू वन. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगी क्यू वन चार्ज की. ठीक है जी, सो यहां तक सबको समझ आ गई है बात. Any question? Hello? Hello, anyone there? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सबको समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ. हेलो, यस सर, आ रही है समझ सर. ओके, एनी वन एल्स हु कैन रिस्पॉन्स? यस सर, वी आर देयर. ओके,
सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ Q1 टाइम्स E टू ब्रिंग द डिस्चार्ज Q2 क्लोज टू Q1 थ्रू अ डिस्टेंस D। अब यहां से हम एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं एंड दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कहता दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी एंड कैन बी रिलीज्ड। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज, ये जो वर्क हमने किया है दिस इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। वेन वी टेक ए हैंड अवे द फोर्स ऑफ द रिपल्जन बिटवीन द चार्जेज विल कॉज देम टू सेपरेट एंड Q1 विल गेन वेलोसिटी। ओके, अभी तो हम दोनों चार्जेज को करीब पुश कर रहे हैं ना, लेकिन अगर हम पुश करना छोड़ देंगे, हाथ उठा लेंगे, तो चार्जेज विल सेपरेट इन फ्रॉम ईच अदर। द Q1 विल गेन अ वेलोसिटी का मतलब क्या है कि Q1 विल बी मूविंग अवे फ्रॉम Q2। ठीक है जी, इट विल गेन अ वेलोसिटी। द स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी। ये जो उसमें चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। जस्ट एज वी डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन आर यूनिट चार्ज, वी कैन ऑल्सो टॉक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट ए गिवन पोजिशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द पोटेंशियल वी, बिल्कुल वैसे जैसे हमने इलेक्ट्रिक, जस्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर, तो आज हमने बस एक इस टर्म की डेफिनेशन के ऊपर मैं एंड करूंगा, दैट वी डिफाइन ए टर्म कॉल्ड पोटेंशियल वी। और वी किसके बराबर होता है जी, वी द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पोजिशन। मतलब एक चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना काम आपको करना पड़ा है, जितना वर्क आपको करना पड़ा है ऑन दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पोजिशन, डिस्टेंस डी की पोजिशन पे लाने के लिए, यानी चार्ज Q2 जो Q1 से था तो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर था, ठीक है, तो उसको किसी डिस्टेंस डी तक लाने के लिए जितना वर्क आपको करना पड़ा है, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिंपली पोटेंशियल, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज Q1। अब आप यहाँ पे वर्क ऊपर आपने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, तो Q1E टाइम्स इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें, Q1 वुड बी कैंसल्ड आउट एंड यू विल हैव V इज इक्वल टू E टाइम्स D, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, सो दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, और थोड़ा सा इसको हम जो है वो आगे डिस्कशन को फर्दर कर ही लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग द चार्ज क्लोज टू द अनदर चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पोजिशन। ओके जी, सो वेरी लास्ट मिनट्स, फ्यू सेकेंड अबाउट टू लेक्चर, इनशाला सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें, नेक्स्ट क्लास में पूछें, इसको पढ़िएगा सब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको आगे हमने यूटिलाइज करना है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर, इसको पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे फिर बताना, ठीक है जी, विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पोजीशन। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज सर। हाँ।